शनिवार को आम आदमी पार्टी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राष्ट्रपति को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा भेजने के साथ 21 सितंबर को नई सरकार के गठन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई। शनिवार को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। आतिशी के साथ मंत्रिमंडल के साथी भी शपथ लेंगे। राजनिवास के सूत्रों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल द्वारा बीते मंगलवार को इस्तीफा सौंप दिया गया। उनके इस्तीफे के साथ ही आतिशी की तरफ से सरकार गठन को लेकर पत्र सौंपा गया, लेकिन इसमें शपथ समारोह को लेकर कोई तारीख नहीं बताई गई थी। आतिशी के साथ दिल्ली सरकार में 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद शपथ ग्रहण समारोह 21 सितंबर शनिवार को होगा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी की तरह रहेंगे। वो 15 दिन के भीतर मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। उन्हें मिली सुरक्षा और अन्य सरकारी सुविधाएं भी वो छोड़ देंगे। संजय सिंह ने कहा कि अभी ये तय नहीं हुआ है कि केजरीवाल कहाँ रहेंगे। केजरीवाल पर कई बार हमला हो चुका है, उनकी सुरक्षा को खतरा है, इसलिए पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कहा गया कि लेकिन उन्होंने सुरक्षा सरकारी लेने से मना कर दिया। आप नेता ने कहा कि दिल्ली वालों को सोचना है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं होंगे तो मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा योजना का क्या होगा। भाजपा कहती है कि ये सुविधाएं बंद हो जानी चाहिए। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।